तो और भाई लोग क्या हाल है यार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्म फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट के बारे में। ये वीडियो थोड़ा इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसके मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज देने की कोशिश करी इस वीडियो में। अगर आप पेपर देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर के बारे तो उसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी पढ़ाई किस लेवल की होनी चाहिए इस सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। मेरी तबीयत होने ख़राब होने के कारण आज की वॉइस क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, तो उस पर ध्यान ना दो आप सिर्फ कंटेंट पर ध्यान दो। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन जो है। पहला है कौन से पार्ट से क्वेश्चन है। पहला यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन है, आईयूपीएससी नॉमनक्लेचर से क्वेश्चन है। अगर आपको आईयूपीएससी नॉमनक्लेचर आता है तो आप किसी भी चीज़ का अगर नाम दे रखा है तो उसका स्ट्रक्चर बना दोगे, या किसी चीज़ का स्ट्रक्चर दे रखा है तो आप नाम बना दोगे। तो उसी हिसाब से पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ 2,2,4 ट्राईमेथिल पेंटेन एंड एमिल अल्कोहल। तो जब हम इसको पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर में अपलोड करने वाला हूँ पूरी यूनिट पूरा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट कवर करने वाला हूँ, तो उसी में हम कवर कर लेंगे सारी चीज़ें। अभी मैं सिर्फ वैसे ब्रीफ बता रहा हूँ। जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर कायरल कंपाउंड्स एंड ए कायरल कंपाउंड्स। फिर उसके बाद डिस्कस एनी टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, डिफाइन स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एथिल अल्कोहल, व्हाट इज़ विक्टर मेयर टेस्ट, डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन एंड जेमिनल हैलाइड्स, डिफाइन क्रॉस हाइड्रोल कंडेंसेशन, व्हाट डू यू मीन बाय। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। तो जिस हिसाब से ये क्वेश्चन है जिन लोगों ने 11th 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है उनके लिए बहुत ईजी होगा ये करना। तो मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा अगर आपके पास टाइम है तो एक बार जो बेसिक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो आपको 11th में मिल जाएंगे। 11th की बुक के जो एक दो चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आप उसको गो थ्रू करते हो एक बार तो आपको बहुत ही आसानी होगी ये सब समझने में, क्योंकि ये सारी चीज़ें 11th 12th की चीज़ें। अगर मान लो आप 11th 12th का भी पढ़ लेते हो तो आप सेमेस्टर एग्जाम में भी बहुत अच्छे से पास कर पाओगे। अब उसके बाद हम सेक्शन बी के क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफरेंशिएट E2 एंड E1 रिएक्शन विद देयर काइनेटिक्स एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड्स। ये देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है बट है बहुत ईजी अगर आपको बेसिक्स पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो वैसे सारे क्वेश्चन जो हैं कहीं ना कहीं रिएक्शन मैकेनिज्म से ही रिलेटेड है, तो इस सब्जेक्ट्स में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आपको बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक्स आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो 11th 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो आप यूट्यूब पर बहुत ढेरों वीडियो पड़ी हुई हैं, हज़ारों में वीडियोज़ हैं, कोई भी वीडियो देख लो जिससे आपको समझ में आता है फिर आपको बहुत ही ईजिली समझ में आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, डिस्कस SN1 एंड SN2 रिएक्शन इन डिटेल। ये 12th का पहले चैप्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का टॉपिक है ये। फिर उसके बाद हम सेक्शन सी देख लेते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म से हैं तो मैं कहूँगा आप अपनी 11th 12th की बेसिक्स सही से पढ़ लो फिर उसके बाद ये पढ़ना शुरू करो तो बहुत ही ईजिली समझ में आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत ही आसान लगेगी। और वैसे भी इस चैनल पे मैं 2 दिन बाद से अपलोड करने वाला हूँ सारे सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियो, यूनिट वाइज वीडियोस मैं अपलोड करूँगा। अगर आप बोलोगे तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हिसाब से अपलोड कर दूँगा, वरना पूरी यूनिट वाइज ही अपलोड करने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि इन फ्यूचर फार्मेसी सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है इस चैनल पर। थैंक यू।